अगर मैं ट्रैक्टर की बात करूं, ट्रैक्टर का काम किस तरीके का है? आपने बीरबल का सुपर सीडर ले रखा है जी सर, क्या क्वालिटी नज़र आई, क्यों इसकी तरफ जाना पड़ा? मार्केट के अंदर तो सैकड़ों ब्रांड है, हर कंपनी आज के समय में सुपर सीडर बना रही है, पहले से सुपर सीडर चला रहे हो, इसका पहले वाला मॉडल भी अपने पास है, ये 23 मॉडल है। चेंजेस की बात करूंगा तो कंपनी ने क्या कुछ लगभग इसके अंदर चेंज किया है और किसान को कितना कुछ बेनिफिट उसका देखने को मिला? आपको कैमरे की नज़र से लाखों किसान भाई मेरे देख रहे हैं, क्या राय दोगे, क्या वो बीरबल की तरफ अपने अनुभव से जा सकता है या किसी अदर कंपनी की तरफ वो देखे? देखो सर, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज दोस्तों पंजाब के किसान भाई से आपको मिलवाऊंगा, ट्रैक्टर सोनालिका का खड़ा हुआ है, साथ में सुपर सीडर खड़ा हुआ है, क्योंकि सुपर सीडर का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, किसान भाई सुपर सीडर की तरफ देख रहे हैं। तो मेरा मकसद हमेशा से रहता है कि आपको बेस्ट इंप्लीमेंट या बेस्ट कृषि यंत्र पहले से ही मैं दिखा करके चलूं, किसान भाई के साथ आपका परिचय करा करके चलूं, ताकि जो और मेरे किसान भाई हैं वो एक अच्छा डिसीजन ले पाएं, एक ऐसी कंपनी का जो वो चयन कर पाएं जिससे कि उन्हें कल को परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सामने से जो आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आप उन्हें अपना करा दो। किसान भाइयों, मेरा नाम गुरसेवक सिंह है और मैं, मेरा गांव छाजली है सुनाम के पास जी, अपना जिला संगरूर है, स्टेट पंजाब। ट्रैक्टर की अगर मैं बात कर लूँ, लगभग खरीदे हुए कितना समय हो गया? ये ट्रैक्टर 2015 के करीब, 15-16 मॉडल है। मैंने 2015-16 मॉडल, मैंने सेकंड हैंड ही लिया। सेकंड हैंड लिया। ट्रैक्टर का काम किस तरीके का है? ट्रैक्टर ये 60 HP है जी। 60 HP। हाँ, इस पे जो सुपर सीडर है वो 8 फीट का बिल्कुल आराम से चलता है, 8 फीट का। और अगर रोटावेटर चलाना है वो 9 फुट का भी चल जाता है, चल जाता है। तो सुपर सीडर मैं देख रहा हूँ, मेरे किसान भाई भी कैमरे की नज़र से देख रहे हैं जी सर। आपने बीरबल का सुपर सीडर ले रखा है जी सर, क्या क्वालिटी नज़र आई, क्यों इसकी तरफ जाना पड़ा? मार्केट के अंदर तो सैकड़ों ब्रांड है, हर कंपनी आज के समय में सुपर सीडर बना रही है। मेरे पास एक्चुअली सर, मेरा किराए का काम जी, किराए का काम करता हूँ मैं, तो पहले मेरे पास और भी थे सुपर सीडर, मैंने कई कंपनियों के यूज़ करके देखे हैं जी, लेकिन जो बीरबल का सुपर सीडर है इसमें सर, एक तो सफाई की वजह से मैंने ये लिया, सफाई बहुत अच्छी आती है इसमें और जीरो वाइब्रेशन है ये। जीरो वाइब्रेशन जी सर, बिल्कुल आराम से चलता है ट्रैक्टर पे, कोई ज़्यादा लोड नहीं, जो आराम से नॉर्मल अपना लोड है तो होता है ट्रैक्टर, उतना ही लोड लेता है जी। और इनका जो मेरे पास पहले 2022 मॉडल है और ये 23 मॉडल है जी। अच्छा, इस कंपनी का पहले से भी एक मॉडल अपने पास जी सर, जी सर। जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं, 23 में आपने फिर दोबारा से बीरबल का ये अपग्रेडेड मॉडल खरीदा है जी सर, तो दोबारा बीरबल की तरफ क्यों गए फिर? आपने ऐसा नहीं दिमाग में आया कि यार मैं किसी अदर कंपनी का लेकर के देखूं? सर, ये दोबारा लेने का मेरा कारण ये है, एक तो बिल्कुल जो मेरे पास 22 मॉडल था वो बिल्कुल अच्छे से चलाया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल नहीं, और एक थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने जब इनको फ़ोन किया एक घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पहुँच गए थे जी। जैसे आप पहले से सुपर सीडर चला रहे हो, इसका पहले वाला मॉडल भी अपने पास है, ये 23 मॉडल है, चेंजेस की बात करूंगा तो कंपनी ने क्या कुछ लगभग इसके अंदर चेंज किया है और किसान को कितना कुछ बेनिफिट उसका देखने को मिल रहा है? तो जो इन्होंने इस बार चेंज किया सर, अगर हमने सुपर सीडर से रोटावेटर बनाना है जी, तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पे 3 नट है जी, जब 3 नट हम खोल देंगे, 3 इधर से 3 उधर से जी, ठीक है, तो ये चीज़ सारी अलग हो जाएगी, ये स्टैंड लग के, स्टैंड यहाँ पे लग जाएगा, आपका रोटावेटर यहाँ से निकल जाएगा जी, ठीक है, आपको इसमें अलग से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फट्टा होता है पीछे जी, तो आपका यही रूलर और यही फट्टा काम कर जाएगा। 5 से 10 मिनट में किसान सुपर सीडर से रोटावेटर इसको बना सकता है और आसानी से खेत में अपने काम कर सकता है, जबकि पहले वाले मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें समय लगता था, समय इतना ज़्यादा लगता था कि किसान भी कहीं ना कहीं कतरा भी जाता था कि यार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बड़ी सिरदर्दी वाली दिक्कत जी सर वो थी इसमें ये बिल्कुल 10 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का, 10 मिनट का काम जी सर। दूसरा ये है जो अपना ये फ्रंट वाला रूलर घूमता है ना जी, तो इन्होंने पहले ये चेन ड्राइव थी, आगे छोटा गियर होता था, पीछे मतलब चेन के सारे वो चलता था, यहाँ पे गियर होता था, यहाँ पे चेन थी जी, तो इन्होंने अब ये हेलिकल गियर दे दिया है जी,
ठीक है, उसका भी झंझट वो दूर हो गया। अब इन्होंने ये नया गियर का अपडेशन किया है। मैं इसके काम के बारे में भी आपसे जानने का इच्छुक हूँ कि लगभग घंटे के अंदर अगर मेरा किसान भाई इसको खरीद लेता है तो कितना काम वो इसके साथ में कर सकता है? आप लगभग कितना काम कर लेते हो एक घंटे के अंदर? सर बाकी तो ये मतलब ड्राइवर के ऊपर निर्भर करता है जी, वो कितना मतलब बुआई करता है एक घंटे में जी। तो मेरे हिसाब से जो एवरेज टाइम निकलता है तो एक एकड़ से सवा एकड़ के करीब एक घंटे में हम बुआई कर सकते हैं आराम से, अगर बिल्कुल सही तरीके से करनी है जी। गुरसेवक भाई, अगर डीजल खपत की बात कर लूं, जैसे आपका 60 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है, 8 फीट का आपने सुपर सीडर ये लिया हुआ है, तो लगभग इसके ऊपर डीजल खपत क्या निकल करके आ जाती है? घंटे में लगभग कितना डीजल कंज्यूम अपना जो ट्रैक्टर है वो कर लेता है? सर घंटे में जो इसका है 6 से 7 के करीब, 6 से 7 के बीच में रहता है, 6.5-6.5। तो वही बात आ गई, ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई थोड़ा अपने हिसाब से चलाता है तो जी। यानी कि अपना जो डीजल खपत है वो लगभग इसके अराउंड ही रहता है, थोड़ा बहुत 6 से 7 के बीच बीच थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। गुरसेवक भाई, अगर मैं इस सुपर सीडर की बात कर लूं, आप बता रहे हो 8 फीट चौड़ाई है इसकी, 8 फीट का सुपर सीडर है, ट्रैक्टर के ऊपर लोड किस तरीके का देता है? ऐसा तो नहीं होता कि ट्रैक्टर इसके ऊपर बेतुका लोड लेता हो, घुटने लगता हो, ऐसी दिक्कत तो नहीं आ जाती? नहीं सर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 60 HP का 8 फीट को बड़े आराम से खींचते हैं, आराम से, बड़े आराम से। सुपर सीडर की आज के समय में जैसे बात कर रहे हैं, सीजन स्टार्ट है, किसान भाई सुपर सीडर की तरफ देख रहे हैं, तो किसान भाई मेरा पहले क्या सोचता है वो घबरा जाता है क्योंकि काफी बड़ा है, साइज काफी बड़ा है, फिर उसके बाद में वेट काफी हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि वेट ज्यादा होने के बाद में ट्रैक्टर को चलाने में दिक्कत आती हो, डिसबैलेंसिंग की दिक्कत आती हो? वो दिक्कत सर इस कंपनी के साथ में नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसी को देखो वेट इसका है जितना, वो तो है सर। अगर हम ट्रैक्टर हल्का लेंगे तो देखो वो दिक्कत आएगी सर। ये जैसे अब 60 HP का थोड़ा इसका बम्पर मैंने हैवी लगवाया हुआ सर जी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा हैवी बम्पर है, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं आती सर। रोड पे भी आराम से जाता है, कोई आगे से मतलब खड़ा होने का कोई दिक्कत नहीं। गुरसेवक भाई, एक दिक्कत और मैंने सुपर सीडर के अंदर देखी है कि जब किसान बिजाई करता है, मान लो खेत में घास फूस है या पहले वाली कोई फसल है उसके अवशेष रह गए हैं, तो मैंने देखा है कि जो कुछ दाने ऐसा हो जाता है, कुछ नली रुक जाती है या ये जो डिस्क लगी हुई है, इस कुछ सुपर सीडर के अंदर कटिंग वाली आती है, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ प्लेन दी हुई है, तो इसके अंदर डिस्क रुकने वाली दिक्कत तो नहीं आती या दाना फंसने वाली दिक्कत आ जाती होगी? नहीं सर, अभी तक तो मुझे आई नहीं। लास्ट सीजन मैंने 2022 मॉडल भी मैंने यूज़ किया है, अभी तेज ली है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई सर। उन्होंने जो इसकी फिटिंग है, फिटिंग इस तरीके से की हुई है सर जी, नीचे से जाके बिल्कुल बंद हो जाती है ये, ऐसा नहीं है इसमें जो मिट्टी भी आपकी ऊपर आके जो आपका ये पोर है ये बंद कर लेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। वो वाली दिक्कत नहीं आती है कि किसान की कुछ लाइनें ऐसे ही रह जाती हैं बिना जमे बिना हुए? जो ये रूलर है ना, बैक रूलर जी, ये एडजस्टेबल है सर ये जी, इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको सही लेवल पे रखोगे तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। गेयरबॉक्स कंपनी ने किस तरीके का दिया है? गेयरबॉक्स के अंदर ऐसा तो नहीं होता कि फालतू की आवाज आती हो या वाइब्रेशन बहुत ज्यादा करता हो, घड़घड़ की आवाज करता हो, ऐसी कोई दिक्कत गेयरबॉक्स के अंदर तो नहीं आती है इसके? नहीं सर, जो ये गियर बॉक्स है 13-23 का गियर बॉक्स है सर, बड़ा बिल्कुल स्मूथली चलता है। हाँ, अगर इसमें हम देखो नया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में इसमें अपना जो तेल है उसको हम टाइम टू टाइम मैं चेक करता रहता हूँ जी, तो अगर वो सही रहेगा तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं देता, बिल्कुल साइलेंट होकर चलता है सर। अच्छा, कंपनी की जो सर्विस है वो किस तरीके की रहती है? क्योंकि पहले से आप बीरबल चला रहे हो, पहले आपने सुपर सीडर पहले वाला इसका 22 मॉडल चलाया है, तो कंपनी की सपोर्ट है वो किस तरीके का रहता है? कोई अगर फॉल्ट आ जाता है तो क्या कंपनी आपको ऑन द स्पॉट उसके ऊपर सर्विस प्रोवाइड कराती है? हाँ सर, जैसे जो मेरा गांव है, क्योंकि वो जो इनकी फैक्ट्री है उससे लगभग 20-25 किलोमीटर के दायरे में मेरा काम है सारा जी, ठीक है, तो मेरे पास तो ये मतलब घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते हैं सर, घंटे के अंदर बिल्कुल जाता है। यानी कि वो वाली दिक्कत भी नहीं आती है कि सुपर सीडर कंपनी ने दे दिया तो उसके बाद में किसान अपने घर? हाँ, वैसी कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरी आपकी मतलब सुनवाई होती है, फुल सपोर्ट जी सर, पूरी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मैं अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ, जैसे इसके अंदर जो भी मटेरियल कंपनी ने यूज़ किया है उससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाई हो? कहीं ऐसा तो नहीं लगा आपको कि यार मटेरियल कुछ कंपनी ने हल्का दिया है, कहीं पर कोई कमी इसके अंदर आपको नज़र आई हो छोटी मोटी? जब मैंने सर लेने से पहले इनका जो मटेरियल देखा था, जो इन्होंने मुझे बोला था भी हम इतने MM की ये शीट यूज़ करते हैं, ये वाला चीज़ यूज़ करते हैं, तो सब वही मिला है सर, ऐसा नहीं है भी आपको दिखा कुछ दिया और दे कुछ, बिल्कुल कंपनी अपने वादे पर खरी उतरी है जी सर जी जी। अच्छा, आज के समय में देखो आपको कैमरे की नज़र से लाखों किसान भाई मेरे देख रहे हैं, क्या राय दोगे, क्या वो बीरबल की तरफ अपने अनुभव से जा सकता है या किसी अदर कंपनी की तरफ वो देखे? देखो सर, बाकी अनुभव तो जब खेत में चलता है तभी पता चलता है, बिल्कुल, जब मैंने चलाया, मैंने 2022 मॉडल लिया, ठीक है, नई चीज़ थी, हमने देखा भी चलो नई चीज़ है, एक बार इसका मतलब एक्सपीरियंस लेते हैं कैसी चीज़ है, बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लगा तो सर मैंने रिपीट किया, रिपीट किया, ठीक है, तो मेरी तो यही सलाह है, एक बार आप यूज़ करके ज़रूर देखो,
तो आप खुद ही दोबारा इनके पास आओगे। हर पहलू को अगर देखा जाए तो किसान के हिसाब से ठीक है, जा सकता है। मेरे हिसाब से तो मतलब हर चीज़ में, सर्विस में लगा लो आप, मैन्युफैक्चरिंग में जो मटेरियल ये कहते हैं वो देते हैं सर, बिल्कुल परफेक्ट है अभी तक। परफेक्ट है यानी कि जो कंपनी वादे किसान से करती है उसके ऊपर पूरा खरा उतर रही है, वही मटेरियल वही क्वालिटी किसान को प्रोवाइड भी करा रही है। जी सर जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मकसद क्या था सुपर सीडर के बारे में स्पेशल मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि ट्रैक्टर्स की वीडियोस तो मैं आपको लगातार दिखाता ही रहता हूँ। आज सुपर सीडर के बारे में इसलिए जानने का मैं इच्छुक था क्योंकि सीजन स्टार्ट है, काफ़ी सारे किसान भाइयों के आप लोगों में से कमेंट भी आए, मेल भी आए कि सर सुपर सीडर खरीदने का विचार कर रहे हैं, किस कंपनी की तरफ जाएँ, कौन सा सुपर सीडर हमारे लिए अच्छा है। तो मेरा मकसद रहता है कि मैं प्रैक्टिकली एक किसान से ही जानूँ किसान का ओनरशिप रिव्यू और वो आप लोगों तक साझा करूँ ताकि आपको भी अपना डिसीजन लेने में हेल्प मिले और आप भी लंबे समय तक ऐसी मशीनरी की तरफ जाएं जो आपको लंबे समय तक काम दे और बिना मेंटेनेंस के आप लंबे समय तक उसके साथ में काम कर पाएं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा और पेज पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।